हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम अगेन, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ द न्यू चैप्टर ऑफ 11 साइंस व्हिच इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट इज हाइड्रोकार्बन। ओके, इतना इनफ नहीं है फॉर द हाइड्रोकार्बन। दोस्तों कुछ आगे बढ़ना होगा। द नीड और बेसिक नीड फॉर द हाइड्रोकार्बन व्हिच वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीओसी। दोस्तों जीओसी का थर्ड पोर्शन होगी, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके दोस्तों, केमिकल रिएक्शन इन दी ऑर्गेनिक सेक्शन, ये दोस्तों बाकी होगा। उसके अलावा सम प्यूरिफिकेशन मेथड्स फॉर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी बाकी है। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी हाइड्रोकार्बन फर्स्ट। सो जीओसी वन, जीओसी टू कम्प्लीट है, जीओसी थ्री बाकी है। दैट वी विल गोइंग टू लर्न फिजिकल और बाई द वीडियो एट द एंड। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर विच इज हाइड्रोकार्बन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर in terms of board exam, in terms of next standard, I mean to say standard 12. So, ये lecture में दोस्तों जितना भी hydrocarbon से पढ़ना है, which already you learn, आपको पता ही है। Hydrocarbon में हम दोस्तों आज के lecture में जो start करने वाले aliphatic hydrocarbon से alkane। ये alkane क्या है दोस्तों, आपको already पता है। इसका common formula क्या हो सकता है, इसका nomenclature क्या हो सकता है, इसमें किस तरह के isomerisms हो सकते हैं, etc. ये सब दोस्तों already हमने पढ़ रखा है, ठीक है। बट फिर भी हम पढ़ेंगे, बिकॉज इसको रिपीट करना पड़ेगा फॉर दी 12 साइंस। 12 साइंस में ये आपके लिए नीडी होगा, यूजफुल होगा। ओके, सो हाइड्रोकार्बन आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी, दैट्स इट। अभी ये हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा था हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, दैट इज नॉट ओनली हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इन दी लो क्वांटिटी ऑक्सीजन पॉसिबल है, सल्फर पॉसिबल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलोजन्स पॉसिबल है, इवन नाइट्रोजन पॉसिबल है, इन दी स्पेशल केस फॉस्फरस भी पॉसिबल है, दे आर हाइड्रोकार्बन। उसमें से दोस्तों प्रॉपर प्योर हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्केन, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, ये कुछ दोस्तों कुछ बेसिक चीजें हैं फॉर दी हाइड्रोकार्बन, जो डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हो, कर रहे हो, दैट्स वाई इसको रीड करना है। एज वेल एज दोस्तों यहाँ पे कुछ एक दो पॉइंट ऐसे भी निकल सकते हैं जो एमसीक्यू में आ सकते हैं, दैट्स वाई दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके लिए इंट्रोडक्शन दिख दिया है। The term hydrocarbon itself explain that which means compound of carbon and hydrogen only. But मैंने दोस्तों जो आपको बताया, in this small quantity यहाँ पे different molecules like nitrogen, oxygen, sulfur, halogens भी हो सकते हैं, ये add करता है। Hydrocarbon play a key role in our daily life. You must familiar with the LPG and CNG word, ये दोनों word सब familiar हो, LPG need है to make a food and CNG for the vehicles. Okay, LPG is abbreviated from the liquefied petroleum gas, whereas CNG stands for the compressed natural gas. So LPG or in dono ka full form bhi aapko pata hai, liquefied petroleum gas and the compressed natural gas. Another term which is LNG, liquefied natural gas, is also in use nowadays. So ye abhi use mein hai. This is also fuel, ये भी fuel ही है, and it obtained by the liquefaction of the natural gas. Natural gas को आप liquidize करो and you will get liquefied natural gas. Petrol, diesel and kerosene oil are obtained by the fractional distillation of the petroleum found under the earth crust. ये दोस्तों जो यहाँ पे petroleum का distillation दे रखा है, ये आपने already I think standard 10th में पढ़ा होगा, distillation of the petroleum where you will get petrol, diesel, kerosene, natural gases, naphtha, BTX, etc. Okay. At the end from this distillation you will get coal. Coal gas is obtained by the destructive distillation of the coal. Then अभी दोस्तों ये introduction ही है, just for knowledge, ठीक से पढ़ना है इसको, चाहे आप इसकी notes बनाओ या ना बनाओ इतना important नहीं रहेगा, but आपको ये पता होना चाहिए। नेचुरल गैस इज फाउंड अपर स्ट्रेटा ड्यूरिंग द ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स। जब दोस्तों ऑयल वेल की ड्रिलिंग हो रही है, तब दी एट दी बिगिनर पोर्शन, वहां पे दोस्तों ये मिल सकता है। दिस गैस आफ्टर कंप्रेशन इज नोन एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी इज यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल विद द लिस्ट पॉल्यूशन, सबसे कम पॉल्यूशन वाला फ्यूल एलपीजी है। अभी दोस्तों लकड़ी या फिर कैरोसिन या फिर अदर कोई सोर्स यूज हो रहे थे फॉर दी होम और डेली यूजेस, वहां पे अभी एलपीजी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। कैरोसिन ऑयल इज आल्सो यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल बट इट यूजेस सम पॉल्यूशन, इसकी वजह से दोस्तों अभी एलपीजी ज्यादा यूज हो रहा है। ऑटोमोबाइल्स नीड फ्यूल्स लाइक अ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी,
ये भी आपको पता ही है, दिस इज ऑल्सो इन टच विद यू. पेट्रोल सी एन जी ऑपरेटेड ऑटोमोबाइल यूजेस लेस पॉल्यूशन इन कंपेरिजन टू डीजल इंजिंस. ओके, तभी दोस्तों आप मेट्रो सिटी में देखते हो अभी सी एन जी के लिए परमिशन है. न्यू जितनी भी कार प्रोड्यूस हो रही है दैट ऑल आर फ्रॉम द पेट्रोल वर्जन. ओके, डीजल वर्जन का अगर उसको परमिशन चाहिए दैट इज समहाउ हार्ड दोस्तों, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन बाई द डीजल इंजिंस. ऑल दिस फ्यूल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट्स इट. एट द एंड द कॉमन थिंग इज इन ऑल दिस फ्यूल्स दैट इज द हाइड्रोकार्बन विच आर सोर्स ऑफ द एनर्जी. दैट्स वाई दोस्तों आपको यहाँ पे एक सेंटेंस देखने को मिला था दैट हाइड्रोकार्बन्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी. क्लियर? हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पॉलीमर लाइक पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरिन एक्सेट्रा विच वी आर गोइंग टू लर्न इन 12th साइंस. देयर इज वन चैप्टर कॉल्ड पॉलीमर इन अवर सिलेबस ऑफ द 12th साइंस. हायर हाइड्रोकार्बन्स आर यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट्स. In the paint industry, they are used as a solvent, but compulsory they should be higher hydrocarbons. Higher means carbon number. CnH2n plus 2, that is the common formula for the alkane. Then only CnH2n, then CnH2n minus 2, alkane. Higher n number jyada hona chahiye, then they can use as a solvent in the paint industry. They are also used as the starting material for the manufacturing of the dyes and drugs. In many different types of drugs and dye, again, dosto, these petrochemicals are the important source for us. Thus, you can understand the importance of the hydrocarbon in our daily life. In this unit, you will learn more about hydrocarbon. So, this is again, ये दोस्तों basic था, introduction था, but important था, that's why हमने इसको भी include किया है. So, याद रखना है. Now, क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं दोस्तों? सपोज दिस कार्बन विद द ओल्ड टेट्रावेलेंसी विद द सिंगल बॉन्ड, दिस इज सैचुरेटेड. इफ दिस कार्बन विद द वन और मोर ड्यूअल और ट्रिपल बॉन्ड, आई मीन टू से पाई बॉन्ड इज देयर, देन अनसैचुरेटेड. सो इसका क्लासिफिकेशन दोस्तों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मेजोरिटी केस में ये होगा सैचुरेटेड एंड द अनसैचुरेटेड. This is cyclohexane. This is cyclohexene, unsaturated hydrocarbon. This is cyclohexadiene, unsaturated hydrocarbon. This is cyclohexatran, which is actually a benzene. ये दोस्तों अलग ही हो चुका. So benzene को हम unsaturated में calculate नहीं कर सकते. If single or dual bond is there, तब वो unsaturated था. So third one is aromatic hydrocarbons. Clear? Saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbon, and the aromatic. Saturated means what? Saturated means the all valency or all four valency of the carbon is being single. So single ही होगी, single bond से occupy होगी, then saturated. If minimum one or more dual or triple bond is there, then unsaturated. Here alkene and alkynes. एरोमेटिक दोस्तों मेजोरिटी केस में एरोमेटिक एक पूरा कंसेप्ट है. तो किस तरह के कंपाउंड को आप एरोमेटिक कह सकते हो जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है. सो टिल देन हम दोस्तों यही बोले कि एरोमेटिक मींस कंपाउंड ऑफ द बेंजीन रिंग एंड रिलेटेड टू द बेंजीन रिंग दे आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. बट यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट दिस पर्टिकुलर गिवन हाइड्रोकार्बन इज एरोमेटिक और नॉन. So that is the one different phenomena, aromaticity and aromatic hydrocarbon that we are going to learn later. Till then, तब तक दोस्तों आपको यही याद रखना है, benzene and related to the benzenes, they are unsaturated hydrocarbons. Clear? Okay. In this lecture, we are going to discuss alkane only. So alkane में दोस्तों जो भी start करना है, already दोस्तों आपने पढ़ी लिया है. What is alkane? So पहला हमने ये पढ़ा था that tetravalency of the कार्बन ऑलवेज बी सिंगल, ये हमने पढ़ा था. देन हाइब्रिडाइजेशन फॉर द ईच एंड एवरी कार्बन इज sp3. दोस्तों क्या होगा? sp3 ही होगा. बॉन्ड एंगल, यहाँ पर किसी भी बॉन्ड एंगल की बात करो, यू विल गेट लाइक दिस. ये आपका बॉन्ड एंगल होगा 109.5, ये आपका होगा बॉन्ड एंगल. ये भी दोस्तों आपने ऑलरेडी पढ़ा था. जितने भी बॉन्ड हो गए सिंगल हो गए, दैट मीन्स वो सभी के सभी सिग्मा हो गए, देयर इज नो पाई बॉन्ड. अभी दोस्तों एक खास चीज आपको याद रखनी है, देयर आल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन्स
also known as the paraffins. Paraffins mean what? Latin means param and little means affinious or affinity. So ye param or affinious, uski affinity ekdam kam hai dosto. These hydrocarbon are inert under normal condition. Normal condition mein they cannot react, as they do not react with the acid or base or other reagents. Hence, they were earlier known as a paraffin also. Usko paraffin bhi bola gaya tha. So alkane mein dosto aise to kaafi cheez hai, but yahan pe humne jitna alkane ke bare mein padha, that is limited. Ekdam limit mein hoga, because ye dosto already hum kar chuke hai in the GOC. ठीक है, हमको ये भी पता है, इफ देयर इज इथेन देन सिंगल बॉन्ड में ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, हाइब्रिडाइजेशन भी पता है, यू कैन कैलकुलेट द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ आल्सो, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आल्सो, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन द एल्केन, ऑलवेज पाई बॉन्ड शुड बी जीरो, ये भी दोस्तों आपको पता है. एल्केन में आपको ये भी पता है देयर इज साइक्लो एल्केन भी पॉसिबल है, जिसका कॉमन फॉर्मूला इन द प्लेस ऑफ CnH2n + 2 ओनली CnH2n होगा, दैट वी ऑलरेडी लर्न दोस्तों, ये आपको पता ही है. सो हियर स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन इज गिवन हियर, इसी तरह से बाकी के एल्केन का भी स्ट्रक्चर होता है. सो एल्केन में दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा अभी इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज ये आपने ऑलरेडी कर लिया है. व्हेन यू आर गोइंग टू मेक योर नोट्स, तब आपको क्या करना है दोस्तों, जब आपकी नोट्स बना रहे हो तब आपको यहाँ पे NCERT टेक्स्ट बुक यूज करनी है. ऑलरेडी जितने भी पॉइंट्स आएंगे आपने कर ही लिए होंगे ऑलरेडी इन दी जीओसी, बट फिर भी एक बार नोट कर देना है, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर दी नेक्स्ट स्टैंडर्ड. ओके, नोमेनक्लेचर इन दी आइसोमेरिज्म, नया टॉपिक है क्या आपके लिए, आपको एल्केन का नोमेनक्लेचर भी पता है और इसका आइसोमेरिज्म भी पता है. नोमेनक्लेचर के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी रूल को डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी रूल फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ द एल्केन. कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हो गए फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, हम डायरेक्टली उसको परफॉर्म करेंगे. आइसोमेरिज्म में कौन सा आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, फ्रॉम चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है सर, ये भी हमने पढ़ा है. एक्चुअली में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल में से चेन आइसोमेरिज्म ही पॉसिबल है. हियर यू कैन सी CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज नॉर्मल पेंटेन. बट अगर दोस्तों मैं इस तरह से लिखूं CH3CH CH3 CH2 CH3, then this become 2-methyl butane, this is 2-methyl butane, clear. Nomenclature भी हो चुका और ये चेन आइसोमर है, this is the normal chain, singular chain, and this is the, एक और इसका आइसोमर पॉसिबल है जो आप कुछ इस तरह से लिख पाओगे, कार्बन 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 एंड कार्बन, 2,2-dimethylpropane. So, ये दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सभी चीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, सो दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, जल्दी से इसको प्रैक्टिस करते हैं. हियर इज द प्रॉब्लम नंबर 13.1. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द C6H14. इसके लिए सबसे आइडियल वे कौन सा है, मैंने आपको बताया था. इसके लिए दोस्तों कुछ फॉर्मूलास है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, बट मेजोरिटी केस में वहां पे मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है. सो आइडियल वे आपको ड्रॉ करना शुरू कर देना C6H14. सो फर्स्ट इज ओके, यही होगा नॉर्मल एक्शन. इसके बाद दोस्तों आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पोजिशन चेंज सोचते जाओ, यू विल गेट नॉर्मल एक्शन, यू विल गेट 2-methylpentane, यू विल गेट 3-methylpentane, 2,3-dimethylpentane एंड 2,2-dimethylpentane. हियर स्ट्रक्चरल चेन आइसोमेरिज्म इज देयर, चेन आइसोमेरिज्म भी है दोस्तों यही क्वेश्चन में, एज वेल एज IUPAC नोमेनक्लेचर इज ऑल्सो देयर. सो यू कैन डू IUPAC नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस इज ऑल्सो हियर. सो आपके लिए दोस्तों ये एग्जाम्पल 13.1 एज इट इज है, आपको और एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 13.1.1. सिमिलर क्वेश्चन, इन प्लेस ऑफ C6H14 यू हैव टू परफॉर्म C17H16, और इसका आंसर दोस्तों मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करना है. इसके कितने स्ट्रक्चर चेन आइसोमर पॉसिबल है, पॉसिबल चेन आइसोमर्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन पॉसिबल चेन आइसोमर्स एंड द नेम ऑफ द पॉसिबल चेन आइसोमर्स, दैट यू हैव टू सेंड मी इन पर्सनल. ओके, अभी दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 13.2 क्विक रिविजन ही है, ये ऑलरेडी हो चुका है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस. डायरेक्टली दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम नंबर 13.2,
write the structure of the different isomeric alkyl group corresponding to the molecular formula C5H11. Actually दोस्तों यहाँ पे C5H11 इसके साथ alcohol group जोड़ना है. So ये C5H11 के formulas है. These are the C5H11 formulas. Write IUPAC nomenclature of the obtained by attainment of the OH. यहाँ पे C5H11 में दोस्तों जो भी कार्बन की वैलेंसी अभी बाकी हो, 3 वैलेंसी हुई हो, फोर्थ वैलेंसी हमको सोचनी है OH. यहाँ पे यू कैन सी इसकी एक वैलेंसी कम है, सो OH यहाँ पे सोचा है. सो ये दोस्तों काम करना है हमको. तो C5H11 के लिए फर्स्ट इज CH3CH2CH2CH2 एक्चुअली होना चाहिए CH3 और ये क्वेश्चन होना चाहिए C5H12 बट वी हैव 11 वन हाइड्रोजन इज लेस. So in place of hydrogen, hydroxyl group is there. This is pentane one all. यहाँ पे दोस्तों second carbon पे ये possibility देखते हैं. CH3CH CH2CH2CH3. Here you can image the OH then pentane two all. Similarly, so ये question दोस्तों ठीक से देखा जाए ये दोनों question में कोई ज़्यादा difference है. यहाँ पे C6 था उसकी जगह पे C5H12 14 की जगह पे 12 और एक निकाल के 11 और जहां पे भी वैलेंसी बाकी रहे वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो वीडियो पॉज करके दोस्तों चाहे आपको कितना भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़े हाफ एन आवर और हावर यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम 13.2 कंप्लीट करना है और उसका आंसर भी मेरे को व्हाट्सएप करना है कंपलसरी. ये दोस्तों आगे के चैप्टर में जीओसी में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट. आपको खुद से करना है. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. प्रॉब्लम नंबर 13.3 राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. दोस्तों ये कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सॉल्यूशन इज हियर बट दोस्तों इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना हो तो आपको क्या करना होगा. दिस इज द सेंट्रल कार्बन राइट डाउन हियर थ्री टाइम्स CH3 ओके दिस इज CH3 1, 2 and 3 देन अगेन CH2 देन C उसके बाद फिर से थ्री टाइम्स CH3. अभी इसका अगर नॉर्मल लेक्चर करना है आप इजीली कर पाओगे 1, 2, 3, 4 and 5 यू कैन सी एट द पोजीशन 2 and 4 2, 2, 4, 4 क्या होगा दोस्तों टेट्रामिथाइल 2, 2, 4, 4 टेट्रामिथाइल टोटल कार्बन 5 पेंटेन ओके. सिमिलरली ये दोनों आप कर पाओगे. इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो देन उसका नॉर्मल लेक्चर. टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन दोस्तों एक ब्यूटाइल मीथेन है टर्सरी ब्यूटाइल है जिसके साथ वो कितनी बार है दोस्तों 4 टाइम्स है. सो दिस इज द कार्बन इसके साथ टर्सरी ब्यूटाइल दिस इज CH3 CH3 and CH3. दिस ग्रुप दिस ऑल ग्रुप इज नोन एज अ टर्सरी ब्यूटाइल. कितनी बार है दोस्तों टेट्रा इट मींस 4 टाइम्स. सो 1 this is 2 this is 3 and this is 4 I think now you can name it. अभी आप इसका नाम कर सकते हो ठीक है. तो दोस्तों इसका नाम आपको ठीक से करना है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होना चाहिए. ये आंसर भी हो सकता है इससे कुछ डिफरेंट भी हो सकता है. सिमिलर आंसर है देन यू हैव टू मैसेज मी ओके इफ डिफरेंट देन व्हाट इज द राइट आंसर. सोच समझ के दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में आईयूपीएसी नॉमिनल लेक्चर फिर से एक बार देख के ये करना है. डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे बम्बार्डिंग नहीं करना है ठीक है. सो अगर एल्केन की बात करें दोस्तों सम बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द एल्केन मैकिंग ऑफ द एल्केन अभी बाकी है उसकी प्रॉपर्टी फिजिकल एंड द केमिकल देखेंगे ये सब मेजोरिटी पोर्शन होगा. बट एज वी डिस्कस दोस्तों यहाँ पे मैंने मेजर किसके ऊपर फोकस रखा था आईयूपीएसी एंड द आइसोमेरिज्म. बट ये जल्दी से खत्म हो गया बिकॉज ये ऑलरेडी हम कर चुके थे इन द जीओसी. दिस इज जस्ट अ रिवीजन फॉर अस. सो जल्दी से दोस्तों ये आपसे हो ही जाना चाहिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए. फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहते हैं देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो ठीक है. सो फाइनली मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन घर पे रहिए सेफ रहिए पढ़ते रहिए.